नमस्कार, नवभारत टुडे से मैं अंजलि राघव इस वक्त खड़ी हूँ गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में। जैसा कि सब जानते हैं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव अब दूरी पर नहीं है, जिनको लेकर राजनीतिक दलों ने अपने दांव खेलना शुरू कर दिया है। और आज हम बात करेंगे यूपी की उन दो दिग्गज पार्टियों की जिन्होंने हाल ही में दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस के जरिए गठबंधन किया। दिल्ली में हुई कॉन्फ्रेंस में बीएसपी की सुप्रीमो यानी कि मायावती ने घोषणा की कि लोकसभा की 80 सीटों पर, जिस पर 38 में बीएसपी और 38 पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, बची 4 सीटों पर आरएलडी और बाकी पर कांग्रेस या अन्य पार्टी भी चुनाव लड़ सकती हैं। और आज हम जानेंगे यहाँ के लोगों से कि ये जो गठबंधन हुआ है इसके ऊपर लोगों की क्या राय है और ये गठबंधन कितना सफल साबित होता है इन राजनीतिक दलों के लिए और बाकी पार्टियों पर ये क्या प्रभाव डालेगा। आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से, एसपी और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है इसके ऊपर आपकी क्या राय है, कितना ये सफल साबित होगा राजनीतिक दलों के लिए? ये राजनीतिक दलों के लिए, भाजपा के लिए विशेष जो है कष्टदायक होगा, क्योंकि इनके वोट प्रतिशत बढ़ेंगे, मत प्रतिशत दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो इनकी सीटें उत्तर प्रदेश में कम आएंगी, ये तो निश्चित है। आपको लगता है कि बीजेपी की सीट कम आएंगी अगर इन दोनों का गठबंधन हुआ है? और हाल ही में जो भाजपा की गवर्नमेंट है या सरकार है उसके ऊपर आपकी क्या राय है कि किस तरीके से काम कर रही है? सरकार तो काम अपना कर ही रही है जो करना है, लेकिन जनता जो है ये जानती है कि नरेंद्र मोदी आएंगे, फिर भी जो है यूपी उत्तर प्रदेश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जो है अगर इनका गठबंधन होता है तो मुस्लिम वोट सारा इधर जाएगा सपा बसपा की तरफ। आपको लगता है जो अमित शाह ने जो बोला है कि अगर वो इतनी सीटों 80 सीटों पर जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है तो उन्होंने बोला है कि 74 सीटों पर इस बार हमारी सीटें हम लोग जीतेंगे यूपी में? 74 तो नहीं, खैर करीब में 75 तो जीत ही लेंगे फिलहाल में, अगर इन्हें डन नहीं होता तो गठबंधन नहीं करते। आपको क्या लगता है जो अभी सरकार है केंद्र में हो या राज्य में हो यूपी में, आपको लगता है वो काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। किस तरीके का अच्छा काम? सारे तरीके से अच्छा काम कर रही है हमारी तरफ से, तो जैसे कि सारी मतलब सड़कों का कर रही हैं और पानी का भी कर रही हैं, विकास भी अच्छा कर रही हैं, बिजली पानी। उन लोगों से भी बात करते हैं जो रोड के किनारे बैठकर अपना गुजारा करते हैं। हम बात करते हैं कुछ लोगों से। सर आपका नाम? मुरारी नाम है, मुरारी लाल चौहान। मुरारी जी ये बताइए, एसपी और बीएसपी के गठबंधन हुआ है आपको मालूम है या नहीं? हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है कितना सफल रहेगा ये? बीजेपी तो एक बढ़िया पार्टी है, मजबूत पार्टी है, इसका नेता भी बढ़िया है, जिसमें पहली बार हमारे देश को कोई नेता है जो के जिसको बोलने का साहस है या हर देश में जाके हमारे देश की पहचान बनाई है, हमारे देश को तरक्की की राह पे पहुँचा है। एसपी बीएसपी ये तो एक आपसी मतलब पार्टी है, एक अपने परिवारवादी उसमें ज़्यादा वो ध्यान देती है और इसका यूपी के अलावा कहीं वजूद है ही नहीं एसपी। आपको नहीं लगता कि ये एक सफल दाव होगा? नहीं नहीं, हमारे हिसाब से तो ये एसपी बीएसपी का कोई ज़्यादा वो नहीं है। सर ये जो गठबंधन हुआ है एसपी और बीएसपी का, आपको क्या लगता है कि भाजपा जो दल है, जो राजनीतिक पार्टी है, उस पर कितना असरदायी होगा क्योंकि अब ये लोग मिलकर बोल रहे हैं कि सरकार बनाएंगे? अगर ये देखो पब्लिक के लिए अच्छा करेंगे, अगर अच्छा कुछ बताएंगे कि हाँ भाई ऐसा होगा वैसा होगा तो ठीक है वोट डालेंगे, वरना तो कोई भी सरकार आए हमें तो अपनी परेशानी से मतलब है ना, कोई भी सरकार आए। आप किसको वोट डालेंगे? पिछली बार तो मोदी को डाला था, इस बार देखते हैं, अभी तक तो हमारे लिए कुछ करा नहीं है, अभी सोचा नहीं है किसको डालना। तो आपने देखा कि लोगों ने इस गठबंधन के ऊपर एक मिली जुली सी राय दी है, अब देखना ये होगा कि इन चुनावी परिणाम के बाद ये गठबंधन कितना सफल साबित होगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अंजलि राघव, नवभारत टुडे। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।